बड़ी खबर आ रही है हाथरस से। इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। फैक्ट्री में पीओपी और समोसम का होता था निर्माण। सुबह लगभग 9 बजे लगी थी आग, समूचे फैक्ट्री एरिया में मचा हड़कंप। आग लगते ही दर्जनों मजदूर जान बचाकर भागे, आसपास की फैक्ट्री हुई खाली। आग लगने से फैक्ट्री में रखे केमिकल में लगी आग। समोसम में मिलाया जाता था तरल प्रथा। आग पर काबू न होने पर अलीगढ़ से मंगाई गाड़ियां, एक गाड़ी सादाबाद से आई। थाना हाथरस गेट कोतवाली की है घटना। फैक्ट्री का मालिक नहीं बता पाया एनओसी है अथवा नहीं। फायर ब्रिगेड कर्मियों के साहस ने टाल दिया बड़ा हादसा, भारी मात्रा में फोर्स पहुंच। बड़ी और अहम खबर न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी आपको दिखा रहा है। हाथरस से खबर है जहां इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री में पीओपी और समोसम का निर्माण होता था। थाना हाथरस गेट कोतवाली की यह घटना है। फायर ब्रिगेड कर्मियों के साहस ने एक बड़ा हादसा टाल दिया, भारी मात्रा में फिलहाल फोर्स पहुंची है। तो उसके इंडस्ट्री एरिया में एक पेंट्स बनाने की फैक्ट्री में आग लगी है। यहाँ पर आग कैसे लगी है ये कोई बताने को तैयार नहीं है, बल्कि आग बहुत भयंकर है। यहाँ कई धमाके हुए हैं, इससे ये मकान की दीवार भी ये फैक्ट्री की चटक गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाने का प्रयास करें आग कैसे लगी हुई है और इस आग के पीछे कारण क्या रहे, ऐसा कोई बताने को तैयार नहीं है। लेबर सारी भाग गई है, क्षति बहुत हुई है, नुकसान बहुत हुआ है, यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। और जो धमाके हुए उनसे दिखाना चाहूँगा, दीवार तक चटक गई है फैक्ट्री की। ये इंडस्ट्री एरिया स्थित फैक्ट्री है। अब ये इसकी एनओसी है अथवा नहीं ये तो जाँच का विषय है, बल्कि ये निश्चित है इसके अंदर कोई केमिकल द्वारा पेंट्स बनाए जा रहे थे, ये पुट्टी कहती है, उसमें ये आग लगी है। आग के कारण बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस फैक्ट्री का कोई स्वामी नहीं है अभी तक। न्यूज 30 एक्सप्रेस के लिए विष्णु कुमार नागर हाथरस से।